So hello guys, my name is Bharat and welcome back to my channel. Thank you so much for watching up my channel. तो मुझे पता है कि मेरा पिछला जो चैलेंज था वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ समथिंग, बट आई एम कमिंग विद अनदर चैलेंज जिसमें 7 days 7 concept चैलेंज ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं. इन 7 दिनों में मैं आपको स्मार्ट मनी से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट फॉर अ बिगिनर वो सब क्लियर कर दूंगा सो दैट यू कैन टेक अ बेटर पर्सपेक्टिव ऑफ द मार्केट एंड यू कैन सी मार्केट इन अ डिफरेंट वे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे ये सब तो आता नहीं है, तो ये सब चीज़ों से बियर कर लेना. मुझे पढ़ाना आता है, मैं काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको डिलीवरी जो कंटेंट दूंगा वो अच्छी दे सकता हूँ, बट मैं उसको प्रेजेंटेबल नहीं बना सकता फिलहाल के लिए. ठीक है, तो उसके लिए आप मुझे माफ़ करेंगे, बट अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना है तो ट्रस्ट मी मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा सकता हूँ. ठीक है, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने के बाद उसको अपने चार्ट में अप्लाई करना है एंड इन केस यू फील अ डाउट आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज करके या फिर कमेंट करके वो डाउट क्लियर कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता पाऊँ. ठीक है, तो मेरे चैनल पे आपको ICT एंड स्मार्ट मनी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मिलेगी, प्लस मैं आपको उनके कॉन्सेप्ट फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाला हूँ. ठीक है, तो एज अ बिगिनर अगर आपको इन कॉन्सेप्ट से प्यार है, इन कॉन्सेप्ट के बारे में आप सुना है और आपके बारे में दिलचस्पी है सीखने की, तो यू कैन वॉच दिस एंड मेनी मोर वीडियोज ऑफ माई. ये 7 days 7 concept चैलेंज बहुत पार होने वाला है, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ठीक है, तो अच्छा बात करते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की कि ये क्या है. देखो सिंपल बात यह है, पहली बात तो कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है कि आपने इसको सीख लिया और आप जो है इंस्टेंटली प्रॉफिटेबल बन जाएंगे. ये पहली बात तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स जो है वो क्लियर कर दूंगा. जो लोग सोशल मीडिया पे आपको ये चीज़ें बेच रहे हैं इसको सीखने के बाद आप जो है वो कंफर्टेबल बनने वाले हैं, तो विच इज नॉट ट्रू. ठीक है, तो ये काम कहाँ आने वाला है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक स्ट्रैटेजाइज्ड बेस्ड कॉन्सेप्ट है. जैसे EMS स्ट्रैटेजी होती है, आपने पिवट पॉइंट स्ट्रैटेजी बहुत लोगों के चैनल्स पे देखी होगी, सेम वे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक स्ट्रैटेजी है जिसके को लेकर जिसको सीख कर आप जो है वो बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं, प्रॉफिटेबल की ओर बढ़ सकते हैं. ठीक है, बट ट्रेडिंग एक्चुअली में क्या है वो भी आपको सिखाया जाएगा कि आपको देखना क्या है. ठीक है, सी आपको बस एक चीज़ पता होनी चाहिए कि मार्केट जो है वो एकदम बह रहा है पानी की तरह. ठीक है, एंड अगर आपको इस पानी पीना तो पहली बात तो आपको स्टार्टिंग से नहीं पी सकते और दूसरी बात आप एंड तक नहीं पी सकते, ये बात आपको क्लियर पीछे. ठीक है, सिंपल. तो एज अ ट्रेडिंग ना आप पानी पे स्टार्टिंग से पी सकते हैं और ना ही आप उसको एंड, ये फ्लो ही है, एवर फ्लो, ये इसका कोई निशान नहीं है कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और कहाँ तक एंड हो रहा है. ठीक है, ये चलता रहेगा ऐसे अप एंड डाउन करके. ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप अपने अपनी कॉन्सेप्ट्स को कोई EMS कोई पिवट कोई बोलिंजर मैट कोई कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कोई सपोर्ट रिचेस कोई सप्लाई डिमांड कोई ICT कोई स्मार्ट मनी, इसके थ्रू आप लोग अलग अलग जगह पे, ठीक है, ट्रेड को ले सकते हैं यानी उस पानी को पी सकते हैं. कोई यहाँ से पिएगा कोई यहाँ से पिएगा, कोई कोई ज़्यादा बड़ा भी पी सकता है कभी कभी. ठीक है, कोई किसी को छोटा सा ही मिलेगा. ठीक है, सब अकॉर्डिंग टू अपनी अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, कभी मुझे ज़्यादा मिलेगा कभी आपको ज़्यादा मिलेगा. ठीक है, बट किसी को कभी स्टार्टिंग नहीं मिलेगी और किसी को कभी एंड नहीं मिलेगा. ठीक है, ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए. तो दिस इज ट्रेंडिंग, तो उसमें आपको कहाँ पानी पीना है और किसके थ्रू पीना है वो आपको डिसाइड कर रहा है. जैसे मैंने ये चॉइस दी थी कि मैं स्मार्ट मनी के थ्रू उस पानी को पीना चाह रहा हूँ, राइट, उस प्रॉफिट के पानी. तो अब मुझे इस पूरे एवर फ्लोइंग मार्केट में जहाँ जहाँ उस पानी उस स्ट्रैटेजी के बेस पे पानी पीने को मिलेगा मैं उस पानी को पीऊंगा, जहाँ नहीं मिलेगा वहाँ मैं नहीं पीऊंगा. ठीक है, तो ये मैंने आपको बात समझाई मार्केट में ट्रेडिंग क्या है, और इसमें लोग जो ये सेल करते हैं
ईएमए बेस्ट है या ओरिजिनल ब्रांड या एस, वो सब छोड़कर ठीक है, हर किसी को अपने अपने हिस्से का पानी मिलना। अब जिनको स्मार्ट मनी से वो पीना है, एज इन जिसको स्मार्ट मनी से प्रॉफिट करना है, वो उन कॉन्सेप्ट को चूज करता है। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जैसे लोग बताते हैं कि फुटप्रिंट्स होता है बैंक्स का, बड़े बड़े हेज फंड्स का, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस का, ये बात कहीं ना कहीं सही भी है और गलत भी, ठीक है। अब गलत की बात सी, बैंक्स के पास इतना फंड है और इतना डेटा है कि आप चाह कर भी कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि वो क्या करना चाहते, राइट, क्योंकि उनके पास जो नॉलेज है, जो मार्केट को एक्चुअली में वो बना रहे, तो उनसे तो आप कंपटीशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग लाइक अ बैंक, ये भी एक मिथ है, हाँ, बट ये कॉन्सेप्ट एटलीस्ट मुझे जो मैंने दिखता ऑब्जर्व किया, ये रिएक्शंस पे काम करता है, ठीक है। जैसे स्मार्ट मनी आपको ये दिखाएगा कि वो एकदम से जब बड़ा मूव देता है, यानी वो पैसा मार्केट में डालना चाह रहा है, बट उनकी क्वांटिटीज इतनी बड़ी होती है दैट आप वो ये नहीं छुपा सकते कि वो गैप्स कितने बड़े बना रही है, कि वो कैंडल्स, क्योंकि साफ दिख जाता है कि बड़ा पैसा लगाया जा रहा है इसमें, राइट। तो इन्हें वो कभी छुपा नहीं सकते। अब जब वो इन्हें नहीं छुपा सकते तो आप क्या करोगे, तो ये हुआ उनका एक्शन, वो लेते हैं एक्शन, पर उन्हें भी तो सही प्राइस पे चाहिए और लोगों को भी सही प्राइस पे चाहिए, तो फिर मार्केट करेक्शन करता है, ठीक है। अब करेक्शन करने के बाद जब मार्केट ने करेक्शन को कंप्लीट कर, जब मार्केट वापस अब अपनी डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, क्योंकि अब हमें ये चीज समझ में आ गई है कि बड़ा पैसा बाइंग की तरफ लग चुका है, दैट मींस कहीं ना कहीं मार्केट की ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, हमें उन रिवर्सल्स और कंटिन्यूएशन कहाँ पकड़नी, उसकी स्ट्रैटेजी स्मार्ट मनी में बताई जाती है, ठीक है। इसमें रिटेलर्स का रोल क्या है और क्या हमारा रोल है एज रिटेलर्स का रोल है, ये धीरे धीरे करके आपको सिखाया जाता, बट फिलहाल के लिए स्मार्ट मनी रिएक्शन आपको देखता है, ठीक है। बड़े हैं जो, यही इसी को बोलते हैं फुटप्रिंट ऑफ बैंक्स, ठीक है। उन्होंने अपनी छाप दिखा दी दैट जहाँ पर वो बाइंग पॉसिबिलिटी देख रहे हैं और वो बड़ा पैसा यहाँ पर मूव करा रहे, तो अब आपको भी उसी तरफ अपनी ट्रेड को प्लान करना, राइट, कि मुझे भी अब लॉन्ग जाना है, शॉर्ट नहीं जाना है, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि मार्केट जो है वो बड़ा पैसा ऊपर की तरफ बना रहा था, एंड यही स्मार्ट मनी। अब स्मार्ट मनी को देखिए कॉन्सेप्ट के थ्रू कैसे पढ़ना है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें फ्रेम होती हैं, तो उसके लिए आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के, ठीक है, कि फॉर स्मार्ट मनी मार्केट स्ट्रक्चर। जो आज का कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, कि एज अ स्मार्ट मनी ट्रेडर आप मार्केट को कैसे देखते हो, एक अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, ठीक है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, लोग बोलेंगे अप ट्रेंड ऐसा नहीं होता है, डाउन ट्रेंड ऐसा नहीं होता, बिकॉज मैंने हर चीज टेस्ट कर चुका हूँ, मुझे ये सब वीडियोज मैंने बहुत सी देखी है, ठीक है, इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करा है, कुछ से कॉन्सेप्ट बनाए हैं, सब करते हुए, ठीक है, एक एक्सपीरियंस बेस्ड जो मेरा है मैं आपको वो डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो लोग बोल रहे हैं कि मार्केट में, जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कि मार्केट में इसी को हम, कोई कहेगा ये है हायर हाइज एंड हायर लो, बिल्कुल सही है, कोई कहेगा मार्केट स्ट्रक्चर ये है, ये भी सही है, बट देन गलत कौन है, सी गलत कोई नहीं, ठीक है। फॉर दिस ये एक रिटेलर दिखता है, हम और आप रिटेलर है, ये एक स्मार्ट मनी ट्रेडर, ठीक है। अच्छा, इससे होता क्या है, इससे ये होता है रिटेलर्स की नजरों में, ठीक है, आपको बस हल्का सा ही पिंक समझना है और यू विल
जेट टूमों की मार्केट स्ट्रक्चर स्मार्ट मंच के अकॉर्डिंग कैसे बनता है। एक रिटेलर के लिए ठीक है स्मार्ट मनी सॉरी एक रिटेलर के लिए मार्केट ने अपना डायरेक्शन यहीं पे चेंज कर दिया है, राइट समझिएगा बहुत ध्यान से। एक रिटेलर के लिए मार्केट डायरेक्शन यहीं पे चेंज हो गया क्योंकि उन्हें सिखाया क्या गया है, जब मार्केट हायर आइज हायर लो ब्रेक करे दैट मीन्स मार्केट जो है वो बुलिश से बेयरिश हो गया, ठीक है। तो रिटेलर को ये सिखाया जाता है, बुक में भी आपको यही मिलेगा। लेकिन एक स्मार्ट मनी ट्रेडर के लिए ये अपॉर्चुनिटी बनती है कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा है, ठीक है। बट वो स्पॉट कैसे करता है आगे सी, ठीक है, जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया, ठीक है। तो ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है आपका कि एक रिटेलर के लिए मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया है, विच मीन्स कि वो प्लान करेगा यहाँ से शॉर्ट करना, ठीक है, कहीं ना कहीं इधर कहीं से वो यहाँ के लिए प्लान करेगा। बट एक स्मार्ट मनी ट्रेडर डिमांड को देख के यहाँ से प्लान करेगा बाय, ठीक है। कुछ चीजें हैं बातों में ना जाइएगा, बोरिंग आपको नहीं लगता चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जितना बेस जितना आपका अच्छा बनेगा, देखो मैंने पॉवर में क्या बोला, मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि लोगों का बेस अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो उनकी कमांड याद ही रखते। बट अगर आप इन्हीं चीज़ों से मन चुरा के भागोगे कि यार एक कौन लंबा लेक्चर देती है और क्या क्या बोल रहा है या बोरिंग हो रहा है, तो फिर आप कैसे सीखोगे भाई। आपको सीखने के लिए बैठना पड़ेगा, लास्ट तक सुनना पड़ेगा एंड देन आप डिसाइड करो कि भाई आया है कि नहीं, ठीक है। तो फिलहाल एक स्मार्ट मनी ट्रेडर की नजरें जो है ऐसे चीज होती है एक रिटेलर की नजर, और इसी की वजह से वो ज्यादा प्रॉफिटेबल बन पाता है एज कंपेयर टू एक रिटेलर, बिकॉज रिटेलर ऐसी चीजों की भी ट्रैप होता है, ठीक है, ऐसी चीजों में भी ट्रैप होता है, ठीक है। अच्छा तो अगर आप इतनी चीज समझ में आ गई तो मैं अब आपको स्ट्रक्चर बताना भी सिखा दे रहा हूँ कि स्ट्रक्चर में ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें ऑब्जर्व कर एक स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, ठीक है। हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी साइकोलॉजी को हम लोग समझ। चलो फिलहाल आ जाते हैं, आपने डिसाइड कर लिया कि आप एक स्मार्ट मनी ट्रेडर बनने जा रहे हैं, दैट मीन्स आपको जितने भी कॉन्सेप्ट रिटेलर्स के आते थे उन्हें पूछना होगा, ठीक है, क्योंकि स्मार्ट मनी को तो अप्लाई बिल्कुल नहीं करता है बल्कि उन्हीं के पैसों को अपने बैंक्स में डालता, ठीक है। तो अगर आपको भी बनना है भाई, ठीक है, और जाना है प्रॉफिटेबल ट्रेडर की राह पे, तो आपको सबसे पहली चीज सीखनी होगी इंड्यूस, ठीक है, क्या सीखना होगा। अब इंड्यूसमेंट क्या होता है, देखो इंड्यूसमेंट होता है जब मार्केट पुल बैक बनाता है, ठीक है, इंड्यूसमेंट क्या होता है जब मार्केट पुल बैक बनाता है, क्या बनाता है पुल बैक, क्या बनाता है पुल बैक। तो जितना भी आप ये देख रहे हैं कौन सा एरिया देख रहे हैं, जितना भी आप ये वाला एरिया देख रहे हैं, राइट, ये होता है इंड्यूसमेंट, क्या होता है इंड्यूसमेंट, क्या होता है इंड्यूसमेंट, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट बेसिकली काम कैसे करता है कि जब एक रिटेलर ये ऑब्जर्व करता है कि मार्केट उस स्विंग लो को ब्रेक कर रहा है तो वो मार्केट को इंड्यूस करता है शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए, ठीक है। आई होप आप सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि जैसे ही वो फ्री तोड़ता है, ठीक है, इस स्विंग लो को, तो वो क्या करता है, वो आपको इंड्यूस कर रहा है, क्या किस चीज के लिए इंड्यूस कर रहा है कि आप जो है वो शॉर्ट ट्रेड लो एंड कहीं पे वो आपके स्टॉप लॉसेस को हंट करके
ऊपर की तरफ भाग जाता है। ऐसे एक रिटेलर ट्रैप होता है, ठीक है। तो रिटेलर को ट्रैप कैसे करा जाता है? रिटेलर को ट्रैप ऐसे करा जाता है कि मार्केट जो लास्ट पुल बैक होता है उसको लेता है, और इस लास्ट पुल बैक को ही हम नाम इंड्यूसमेंट का देते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप कहीं पे ITM लिखा हुआ देते हैं, ठीक है। क्या होता है ये लास्ट पुल बैक होता है जो मार्केट लेता है बिफोर गोइंग अप, इफ द मार्केट इज एन अप ट्रेंड। और यही सेम चीज डाउन ट्रेंड में कैसे कॉन्सेप्ट बनता है, जब मार्केट नीचे की तरफ लोअर हाई लोअर लोस बनाता है, तो जो लास्ट पुल बैक होता है जहाँ पे मार्केट ये रिटेनर्स को इंड्यूस करता है कि भाई अब आप लॉन्ग की तरफ जा सकते हैं। व्हाई? बिकॉज मैंने आपके स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है। वहीं पे मार्केट क्या करता है, रिटेनर्स को इंड्यूस कि आप बाइंग करो, एंड देन मार्केट गोज इन अनदर डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसे एक रिटेल इन्वेस्टर और ट्रेडर्स जो है वो ट्रैप करे जाते हैं, ठीक है। व्हाई? बिकॉज द बिग प्लेयर्स नीड योर स्टॉप लॉसिंग, ठीक है। अब आप खुद बताइए, अगर आप इस पॉइंट पे, ठीक है, शॉर्ट करें तो आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ पर रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा कहाँ रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप यहाँ से स्टॉप कर रहे हैं तो ज्यादा या तो इस स्विंग पॉइंट पे रखेंगे या यहाँ कहीं पे रखेंगे, राइट, ठीक है। इस होप में कि मार्केट नीचे आ जाए, राइट। बट मार्केट को यही स्टॉप लॉस सीख, एंड मार्केट क्या करता है, इसी स्टॉप लॉस को लेकर ऊपर की तरफ चला, ठीक है। तो अगर आप कभी भी वंडर करेंगे कि आपके स्टॉप लॉसेस इतने क्यों होते हैं, तो मैं यही चाहूंगा कि इन कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आप एक दूसरे तरीके का पर्सपेक्टिव मार्केट में बनाए, ठीक है, और ट्राई करें मार्केट को थोड़ा डिफरेंट ही देखने की, जो एक नॉर्मल रिटेलर देख रहे हैं उससे हटकर, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने अगर एक बार ये समझ लिया कि इंड्यूसमेंट होता क्या, तो अब हम एक पूरा स्ट्रक्चर सीख लेते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर स्मार्ट मनी के अकॉर्डिंग मार्क कैसे किया जाता है, ठीक है। चल, एक स्ट्रक्चर हम सीखेंगे आज, स्ट्रक्चर मैपिंग फॉर अप ट्रेंड, ठीक है। एक सेकेंड, चलो। तो स्मार्ट मनी के अकॉर्डिंग एक स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनता है, मार्केट में हायर हाईज हायर लोज बनते रहे, बिल्कुल सही बात, बट मार्केट के लिए जो मेजर स्विंग पॉइंट वो तभी डिसाइड किया जाता है जब मार्केट अपने लास्ट पुल बैक को लेता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ITM, ठीक है। हम हायर 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 लोज की बात कर, जब मार्केट ITM लेता है, ITM लेने के बाद आप अपने स्विंग पॉइंट को कंफर्म करेंगे इन एन अप ट्रेंड, बात समझ में आ गई, ग्रेट। उसके बाद मार्केट जब वापस ऊपर की तरफ जाएगा और इस स्विंग पॉइंट को ब्रेक करेगा, क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ठीक है, तब हम अपने हायर लो को मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये आपका होता है स्विंग हाई और स्विंग लो पॉइंट आइडेंटिफाई करना इन एन अप ट्रेंड, ठीक है। अब जब मार्केट वापस नीचे आता है, ठीक है, फिर इस ITM को लेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है मार्केट यहीं पे ITM ले, मार्केट इसको भी आगे जाकर ऊपर कर सकता है, फिर इसको एज एन ITM बना सकता है, बट फिलहाल के लिए अगर हमारा लास्ट पुल बैक, बट फिलहाल के लिए अगर हमारा लास्ट पुल बैक जो भी होगा अगर उसे मार्केट लेता है, ठीक है, और फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो ITM लेने के बाद, इस ITM को लेने के बाद ही आप अपने स्विंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करें, ये आपका हायर हाई हो जाएगा और ये आपका हायर लो हो जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू मार्क अ स्ट्रक्चर इन एन अप ट्रेंड अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आप डाउन ट्रेंड में, तो आप
लोअर हाई लोअर लो तो बनाते हुए आएगी, ठीक है। उसके बाद आप जो लास्ट कुल बैग जब उसको लेंगे एज इन उसको ब्रेक करेंगे, तो आप रिटेलर्स को अट्रैक्ट करेंगे बाइंग पोजीशन, ठीक है। और इसी को बोलते हैं आईटीएम यानी स्पेक। आईटीएम लेने के बाद आपका क्या कंफर्म हो जाएगा, लोअर लो, ठीक है। और उसके बाद लोअर हाई कब कंफर्म होगा, लोअर हाई आपका तब कंफर्म होगा जब मार्केट इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा नीचे की तरफ। एंड एज सून एज मार्केट ने इस लोअर लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है, उसके बाद हमारा लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इन एन अप ट्रेंड एंड इन डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो जब भी मार्केट अपने आईटीएम को लेता है, उसके बाद जब मार्केट ब्रेक करता है, ठीक है, तो मार्केट में जो है वो लोअर हाई और लोअर लो कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। पहले लोअर लो कन्फर्म होता है, उसके बाद लोअर हाई कन्फर्म होता है, ठीक है, आईटीएम के बाद, क्लियर। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट और जुड़ जाते हैं, ठीक है, जिनका नाम है, आई होप आपने सुना होगा, पॉस, जिसको बोलते हैं फुल फॉर्म में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और दूसरा है चॉप, जिसे बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो पॉस और चॉप में फर्क क्या, ठीक है, देखिए मैंने फिर बात करी, आप एक स्मार्ट मनी ट्रेडर हैं, तो आपको जो पुरानी कॉन्सेप्ट है उसको कंप्लीटली भूलना होगा, ठीक है। अब पॉस का मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और ये तब पॉसिबल होता है जब मार्केट अपने स्विंग जो आपने फाइंड की, ठीक है, उसको ब्रेक कर, जब भी मार्केट अपने स्विंग हाई के पॉइंट को अप ट्रेंड में ब्रेक करता है, तो हम बोलते हैं कि पॉस, ठीक है, पॉस, क्लियर। सेम वे इन अ डाउन ट्रेंड, ये आपका क्या है, पॉस, ये आपका क्या है, पॉस, ठीक है, ये है पॉस। अच्छा, बट अब चॉप कब होता है, तो चॉप होने के लिए सिंपल सा हमें एक छोटी सी चीज करनी है, इस पूरे स्ट्रक्चर को पहले हम यहाँ लाते हैं, फिर हम इस स्ट्रक्चर को यहाँ ले आते हैं, ठीक है, और एक चीज ऑब्जर्व करते हैं। देखो, जब तक मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, तब तक आपको हमेशा हायर हाईज एंड हायर लोस की पॉसिबिलिटी की दो, ठीक है, बट कभी कभी जैसे हर स्ट्रैटेजी में होता है वो स्ट्रैटेजी फेल होती है। तो जैसे ही मार्केट इस स्विंग पॉइंट को ब्रेक करता है, ठीक है, जैसे ही मार्केट इस स्विंग पॉइंट को ब्रेक करता है जो अप ट्रेंड में चल रहा था, तब हम बोलते हैं कि ये हो गया है हमारा चॉप, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि चॉप का मतलब हो गया कि मार्केट ने आप अपना बिहेवियर बुलिश से बेयरिश की तरफ चेंज कर लिया है, ठीक है। फिलहाल के लिए मार्केट में है, जैसे ही ये बिहेवियर चेंज होता है, तो आप हायर हाइज हायर लोस का इंस्ट्रूमेंट ना ढूंढते जो आपको यहाँ पर दिखेगा, राइट, ये पॉइंट पे, ठीक है, ना ढूंढते हुए आप अपना जो आइडिया है वो नीचे की तरफ, ठीक है, वो आप नीचे की तरफ घूमना स्टार्ट कर देंगे, जो कि यहाँ, एंड इसकी वजह से आपके लोअर हाईज एंड लोअर लोस कर और स्टार्ट, ठीक है, और ये स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर आपको इस तरह दिखने का। अच्छा, तो इससे होता क्या है, ठीक है, मैं आपको खुद बता रहा हूँ,
इससे सबसे अच्छी चीज होती है कि आपको मार्केट की क्लैरिटी हो जाती है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ, जो बहुत लोगों को हार्ड टू फाइंड होता है कि मार्केट किस तरफ की ट्रेड हमें लेनी चाहिए, मार्केट का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, कुछ लोग यही से चीज ईएमए 200 ईएमए लगा के बताते हैं कि ईएमए की अगर ऊपर है तो मार्केट अप ट्रेंड में है, और अगर ईएमए के नीचे है तो मार्केट डाउन ट्रेंड। ठीक है, बट एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कैरेक्टर बेस पे बताता है दैट अगर उसका कैरेक्टर बुलिश टू बेयरिश चेंज हो गया, दैट मींस फॉर द टाइम बीइंग वो डाउन ट्रेंड में है। नाउ ये कंफर्मेशन नहीं है इसकी कि क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में ही रहेगा या मार्केट कितने टाइम तक डाउन ट्रेंड में रहेगा, इसकी कंफर्मेशन कौन नहीं देता। हाँ, लेकिन एज कंपेरिजन टू रिटेल ट्रेडर आपको एक अर्ली सिग्नल मिल जाता है ये पता करने का कि मार्केट अब अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है, जिसकी वजह से आप अपना रिस्क रिवॉर्ड जो है वो हाई कर सकती। ठीक है, वो सब कैसे होगा, 77 कॉन्सेप्ट्स हैं, हम सब सीखेंगे। आज का टॉपिक फिलहाल के लिए था मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, और आई होप कि आपको ये मार्केट स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो पर शेयर लाइक सब्सक्राइब कर जरूर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं ऐसी और फंडा पुश वीडियोस आपके लिए बनाता। क्लियर है? अच्छा, अभी कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ है माय फ्रेंड, अब हम एक दो मैपिंग सीखना चाहेंगे। ठीक है, कि ये चीज हमें दिख कैसी रही है चार्ज। ठीक है, उसके लिए मैंने वीपी में यूरो यूएसडी को मार्क करके दिखाया है in order for you to see that market kaisa behave karta hai, theek hai, and I hope aapko acha matlab hai, theek hai, jab aap aage ja ke seekhenge to aap on sab kuch seekh sakte hain. Acha ek baar months mein khol deta hu taki aapko aur acha ek baar upar view mil jaye, plus seekh sakte ho to sir ab aap bhi hua ye dekhiye, theek hai, ye hamara structure hai. Ab aap थियरी एनालाइज करिएगा तो आप बहुत अच्छा दिखेगा। देखिए, मार्केट में जैसे ही यहां पे इंड्यूसमेंट दिया, ठीक है, मार्केट ने जैसे अभी इंड्यूसमेंट किया क्योंकि ये पुल बैक, अगर पुल बैक पहचानते कैसे है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, ये पुल बैक था फिर ये पुल बैक, राइट। अब जब ये पुल बैक मार्केट के ऊपर गया और इसको यहाँ पर दिया एज इन ब्रेक किया, ठीक है, तो हमारा ये जो पॉइंट है वो हायर हाई बन गया दिस पॉइंट। ठीक है, जैसे ही ये पॉइंट हमारा हायर हाई बना, ठीक है, कुछ और कलर ले लेते हैं, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया। ठीक है, नीचे आने के बाद मार्केट में टैप करा डिमांड जोन पे और मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को इस पॉइंट पे ब्रेक करा। जब मार्केट ने स्ट्रक्चर को इस पॉइंट पे ब्रेक करा तब आपका हायर लो जो है वो कंफर्म होगा। जब आपका स्ट्रक्चर याद रखिएगा ऊपर की तरफ ब्रेक होगा तभी आप हायर लो मार्क करेंगे। ठीक है, आप कहीं पर भी स्विंग हाई या स्विंग लो पॉइंट मार्क नहीं करेंगे एज लॉन्ग एज जब तक आपके स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं। ठीक है, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेड की। तो मार्केट ने यहाँ पर अपना स्विंग हाई बनाया और यहाँ पे अपना स्विंग लो, क्यों, मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को लिया, इस इंड्यूसमेंट को लेने के बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर करने के बाद ब्रेक। अब यहाँ पे लोगों को लगेगा कि मार्केट अपने कैरेक्टर को चेंज कर दिया एज इन कि मार्केट अब बेयरिश जा रहा है, उसने ब्रेक कर दिया, हम टेस्ट भी देते हैं, बट मार्केट ने क्या किया, उन सबको ट्रैप करके सबके लॉसेस इधर यहाँ होंगे, सॉरी स्टॉप लॉसेस यहाँ होंगे या यहाँ होंगे, ट्रैप करके ऊपर की तरफ चला, राइट। फिर नेक्स्ट मार्केट जब इंड्यूसमेंट लेता है तो मार्केट, ये मार्केट का पुल बैक था, ठीक है, वैसे वो भी दिखा दे रहा हूँ आपको, ये मार्केट का पुल बैक था और इसको लेने के बाद मार्केट नीचे आया, अपने डिमांड जोन पे टैप करा एंड मार्केट वेंट अप।
तो ये हमारा स्वीकाई और ये हमारा सिंह लोक, यहाँ पे मार्केट के स्ट्रक्चर को ब्रेक कर। अब स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद देखिए क्या हुआ, मैंने बोला ना हर बार आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। मार्केट में आप एज एन जब तक आप ट्रेंड में आपको यही उम्मीद रखते हैं कि मार्केट ऊपर जा, तो आप अपने वैसे ही मार्क करेंगे। आपने इसको हायर लो मार्क करा बिकॉज मार्केट ने आप किया इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट को डिमांड जोन पर टैप करके ऊपर जाना चाहिए था, बट मार्केट को उसको फेल कर दिया। फेल करने के बाद जब मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर को ब्रेक करा, तब हमारा कन्फर्म हो गया कि मार्केट अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लिया और मार्केट अब बुलिश टू बियरिश जा सकता है। ठीक है, तो अब आपको इंड्यूसमेंट नीचे की तरफ देखना है जो मार्केट ने यहाँ पर बनाया, राइट, इस पॉइंट। ठीक है, तब जब मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट दिया, ये लास्ट पुल बैक था, जब तक पुल बैक आपको इस लैग ऑफ मूवमेंट नहीं मिलता ये वाले फॉर अ डाउन ट्रेंड, तो डाउन ट्रेंड में आपको लेफ्ट की तरफ देखना है और अप ट्रेंड में भी आपको लेफ्ट की तरफ देखना है, ठीक है, राइट की तरफ। इस लैग ऑफ मूवमेंट जब तक आपको डाउन ट्रेंड में इंड्यूसमेंट नहीं मिलेगा, तब तक आपका लोअर लो कन्फर्म नहीं होगा। बट एज सून एज मार्केट ने इंड्यूसमेंट ब्रेक किया, लोअर लो कन्फर्म होने के बाद मार्केट को नीचे आना चाहिए था फिलहाल के लिए एज पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, बट मार्केट ने उसको फील किया एंड अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। अब नाउ मार्केट हैज कन्वर्टेड फ्रॉम बियरिश टू बुलिश। फिर मार्केट ने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद मार्केट में हायर हाइज एंड हायर लो कन्फर्म। फिर अब हमें क्या क्या लगना है कि मार्केट जो है वो अपने डिमांड जोन पर आकर ऊपर की तरफ जा सकते, बट फिलहाल के लिए मार्केट ने अभी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, राइट। एज सून एज मार्केट नीचे आएगा तब हम प्लान करेंगे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से ऊपर, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड होगा। अगर ये सक्सीड होता है, अगर मार्केट इसको फील नहीं करेगा, देन इसके अराउंड इसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए, वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड आप प्लान कर सकते, ठीक है, पर उसको अभी थोड़ा वक्त है। बट तब तक अगर आप जितने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी, आई बी वेरी हैप्पी एंड गिव मी दैट लव कि ये एक स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट था मार्केट स्ट्रक्चर को लेके, और मैंने ट्राई किया कि इसको जितना ज़्यादा सिंपल हो सके बना सकूँ। मुझे पता है, मैं आपको अभी से बता दूँ आपको किन किन चीज़ों पर डाउट होगा इस वीडियो के बाद। एक आपको डाउट होने वाला है आईडीएम को लेकर कि आईडीएम कहाँ स्पॉट करते हैं। दूसरा आपको डाउट होगा पुल बैक को लेकर, ठीक है, इन दो को लेकर आपको डाउट ज़रूर होगा। और मैं यही ट्राई करूँगा कि कल मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी एग्जाम्पल दूँ ताकि आपका ये डाउट है आईडीएम और पुल बैक को लेकर ये दूर हो जाए, ठीक है, ताकि हम आगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ पाए और अपनी पेस स्ट्रॉन्ग कर पाए, ठीक है। तो टिल देन यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन मैसेज मी पर्सनली, यू कैन राइट अ कमेंट, ठीक है, जो आपका मन करे आप करो, और जो भी डाउट हो आप सॉल्व कराओ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, ठीक है। आपको ज़बरदस्ती पेड कोर्सेस में अपना पैसा फिलहाल के लिए तो वेस्ट मत करो, ठीक है, फिर पैसे को बचा के सीख जाओगे और मार्केट में ट्रेड कर लोगे तो उससे ज़्यादा ही बना लोगे, ठीक है। तो मैंने यही ट्राई करा इस कॉन्सेप्ट में और हर चीज़ आपको सिखा सकूँ, थोड़ी लैंग्वेज वीक हो जा रही थी। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल नाउ, आई होप आपके कुछ तो नोट्स बनाए हुए, अगर नहीं बनाए तो अभी पास ज़रूर बनाइए, इस वीडियो को वापस देखिए और ज़रूर बनाइए। तो बहुत कुछ है जो आप सीखने वाले हो, अभी तो ये बस शुरुआत, ठीक है, इस के अंदर इतना कुछ हो रहा है तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है, येट आपको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या। तो इस मूव को क्रैक करने के लिए आपको 7 दिन लगातार इस चैनल पे आपकी चीजें सीखनी पड़ेगी, राइट, और अपना 100% देना पड़ेगा, देन आई प्रॉमिस कि 7 दिन बाद आप भी फिगर आउट कर पाओगे कि व्हाट मार्केट इज प्लानिंग। अभी हमें बहुत कुछ सीखना है, ठीक है, so stay tuned till then, thank you so much for listening and I hope you like this video, please like it.